अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे ना कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। तो हाँ, मैं सही बात करना चाहती हूँ, मैं सही की बात करना चाहती हूँ, और सही आसिफा और शफीक भाई सही हैं, तो इसके लिए मैं उनकी बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, और ये काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। अभी तक वो इग्नोर कर रहे थे, बट अब पानी बोलते हैं ना कि जब पानी नाक तक आ जाता है तो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो वही कुछ हुआ है आसिफा और शफीक भाई के साथ। तो उन्होंने कंप्लेन की है और मैं उनके साथ हूँ भाई। आसिफा और शफीक भाई, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने जो भी काम किया ना, बिल्कुल सही किया। ऐसे इग्नोर करने जैसी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि जब तक वो कर रहे थे, मतलब बैड कमेंट्स पास कर रहे थे, ठीक था। बट जहाँ पर ये पर्सनल लाइफ पर आ गए, और पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कमेंट्स में बताया जा रहा है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर भाई बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है। डू एक्शन, जो कि आप लोगों ने ले ही चुका है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा, मतलब पकड़े जाएंगे वो लोग। आप लोगों ने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया। और ऐसे हेटर्स को ना जवाब देने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मुझे भी ये मानना है कि जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगे ना, तब तक ये आके हमारा कमेंट बॉक्स को ना गंदे करके जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं भाई, सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर भी वही वीडियो देखी, सेम वीडियो, जिसमें आसिफा मतलब सारे एविडेंस दिखा रही है कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं। और ये बात सही है, कमेंट में मैंने भी पढ़े थे ये सारे मैसेजेस। तो ये गलत बात है ना, अगर कोई हेटर्स ये सारे मैसेज पढ़ जो सेंड करते हैं लिख के, क्या मिल जाता है, कौन सी खुशी मिलती है? उल्टा अभी मतलब आसिफा ने एक्शन ले लिया है, तो वो एक्शन का रिएक्शन तो अब तुमको मिलने ही वाला है। तो फिर क्या फ़ायदा? अभी तुम ये मत सोचना कि हमने फेक आईडी से ये सब कुछ किया है तो हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ ना कि ओरिजिनल आईडी से ना कोई कांड नहीं करता है। कोई भी जो बोलते हैं ना क्राइम होता है ना, वो ओरिजिनल आईडी से नहीं होता है। तो सारे क्राइम जो है ना फेक आईडी से ही होते हैं। तो ये मत सोचना कि हम बच जाएंगे। नहीं भाई, आप नहीं बचने वाले हो। आप भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आप नहीं बचने वाले हो। मैं तो यहाँ पर आसिफा को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जैसे ये लोग मिल जाए भाई, बैड कमेंट्स करने वाले, वो जो भी नाम आसिफा ने अपने वीडियो में लिए हैं, तो इनकी ना एक डंडे पड़वाते हुए ना वीडियो बना लेना और वायरल कर देना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ना इन फ्यूचर ना जो हेटर्स हैं ना, उनको नसीहत मिले कि भाई ये सब कुछ हो सकता है। अगर हम जाकर किसी का कमेंट बॉक्स गंदा करेंगे ना, तो ये सब कुछ भी हो सकता है, और क्या पता इससे बुरा भी हो सकता है। तो पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिलेगी। मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है कि आसिफा और शफीक भाई का जो फेम बढ़ते जा रहा है ना, तो ये फेम की वजह से मतलब उनके जो हेटर्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें। बट यहाँ पर मैं उन हेटर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम 25 की क्वांटिटी में ये चाहते हो ना कि आसिफा और शफीक भाई आगे ना बढ़ें, तो 75 की क्वांटिटी में लोग चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें। तो तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे कमेंट करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनके फेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते चले आए हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ये वीडियो बनानी थी गाइस, मैं फ्राइडे से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मेरे पास 2-3 वीडियो और भी पेंडिंग है, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद शेयर कर लूँगी। बट ये वीडियो ज़रूरी था। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि मैं आसिफ और शफीक भाई को बताना चाहती हूँ कि मैं सही के साथ हूँ, मतलब मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आप लोग सही हो, गलत नहीं हो। अगर आसिफा ने कहीं से भी 25,000 की डिमांड की होती ना, तो आज वो ये एक्शन नहीं उठाती, वो चुपचाप बैठ जाती कि मतलब हाँ ये बात तो सही है। और फिर बात रही वो पर्सनल मैसेज की, तो वो जो पर्सनल मैसेज भी अगर सही होता ना, तो भी आसिफा चुपचाप बैठ जाती कि अरे हाँ, ये तो जो भी बंदाबंदी जो भी है, ये तो सही बोल रहा है, मैं तो थी ऐसी, तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, मैसेज को हाइड कर देती हूँ। ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि वो नहीं है गलत। तो वो कहते हैं ना, जब कोई गलती नहीं करता और उसको गलत कह दो ना, तो उसके बदन में आग लग जाती है। तो वही हाल आसिफा के साथ हुआ है, और होना भी चाहिए, ऐसा तो सबके साथ होता है भाई, और कोई आसिफा नहीं नहीं बट ये है कि आसिफा ने एक्शन लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब तक आसिफा एक्शन नहीं लेती ना, अभी तक आसिफा के कॉमेंट बॉक्स गंदे होते। तो
ठीक है, उतना भी चलता है भाई, हेटर्स भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हेटर्स के बिना अच्छा भी नहीं लगता है। बट इतना इतना गंदा, पता नहीं कौन सा सुकून मिल जाता है ऐसे गंदे कमेंट्स लिख के। मैं हेटर्स से पूछना चाहूँगी कौन सा सुकून मिल जाता है। आई एम 100% श्योर कि ये कमेंट्स पास करने के बाद भी ना आप बेसुकून ही रहते हो। जो हेटर्स है ना, वो कोई भी गलत कमेंट्स लिखने के बाद भी ना वो बेसुकून ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिनके लिए मैंने कमेंट लिखा है वो तो सुकून से जी रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, मतलब अपनी बोलते तो दिल से ही हो, लिखते हाथ से हो, बट बोलते तो दिल से हो ना, अपना दिल भी काला कर रहे हो, और इन फ्यूचर कुछ दिनों में मुंह भी काला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हो जाए मुंह काला। मैं तो सोच रही हूँ मिल जाए और एक वीडियो वायरल हो जाए, ऐसे मुंह काला करके गधे के ऊपर बैठा के। एक्चुअल में ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होना चाहिए। तो बचपन में हम कभी कभी देख लेते थे ऐसा सीन, वो गधे पे बैठा के चप्पल, सॉरी टीवी में मैंने देखा है, ओरिजिनल में नहीं देखा मैंने, रियल में। तो वो वाला सीन ऐसे हेटर्स के साथ हो जाए और हम देख ले रियल में ना, अरे ना देख पाए रियल में, हम यूट्यूब पर ही देख लें, इंस्टाग्राम पर ही देख लें, तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे हेटर्स को ना चप्पल मार जवाब मिलेगा। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब हेटर्स के लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनको सुकून भी नहीं मिलता है। एक कमेंट करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है, फिर दूसरी वीडियो में आते हैं, दूसरा कमेंट करते हैं, मगर बगैर उनको सुकून नहीं मिलता है। तो इन फ्यूचर अभी सुकून मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि आसिफा ने जो कदम उठाया है ना, बहुत सही कदम उठाया है। और आसिफा ऐसे आगे बढ़ते रहो, ऐसे चलते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मतलब जो तुम्हारे जो अच्छे वाले फैन है ना, जो बोलते हैं जो तुम्हारी अच्छी ऑडियंस है, वो तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी ऑडियंस भी देख रही है कि तुम सही हो या तुम गलत हो। तो ऐसे जो बोलते हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो ऐसे कुत्तों के ऊपर ना वो हाथी ध्यान नहीं देती है। तो आप लोग भी ना ऐसे कुत्तों के ऊपर ध्यान मत दो, और अपना काम अच्छे से करते रहो जैसे करते आए हो। और ऐसे हेटर्स के बारे में मैं बोलूँगी सोचो भी मत, अपना अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाओ। इम्प्रूवमेंट तो है ही, ये बहुत है इम्प्रूवमेंट, माशाल्लाह, और इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। क्योंकि जो जलने वाले हैं ना, उनको आप अपनी वीडियो के ज़रिए ही जला सकते हो। अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला के, अपना फेम सर्कल बढ़ा के, वैसे ही आप जलने वालों को वैसे ही जला दोगे। तो चलिए, फिर मैं फिर से लास्ट टाइम ये कहना चाहूँगी कि मैं आसिफा और शफीक भाई के साथ हूँ, क्योंकि वो लोग सही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। और मतलब अभी तक पता नहीं किसी ने कहा नहीं, कहा क्या है क्या नहीं, मैं किसी का नहीं जानती हूँ, मैं मेरा जानती हूँ कि मैं ये लोगों के साथ हूँ, मैं इनको सपोर्ट करती हूँ। और अजान भी हो रही है, जब बोलते हैं ना कि कुछ कहते कहते अजान हो जाए तो बात सच होती है, तो ये भी आसिफा और शफीक भाई एकदम सच हैं, और मैं ये लोगों के साथ हूँ। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सी भी सच्चाई लग रही होगी, जेन्युइन लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना, और शफीक और आसिफा भाई को सपोर्ट करते रहना।